अस्सलाम एवरीवन, दिस इज मी ज़ैब। वेलकम टू ज़ैब वर्सेस टेक। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ व्हाट्सएप के कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। और इससे जो मैंने सेकंड लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आप लोगों के साथ इंस्टाग्राम के कुछ सीक्रेट कुछ नए फीचर शेयर किए थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोगों को उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और ऊपर आई कार्ड में भी मिल जाएगा, और आप लोग वो भी जाकर देखें। वो भी बड़ी ज़बरदस्त वीडियो बनाई थी मैंने। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूँ व्हाट्सएप के कुछ ट्रिक्स के बारे में। और यकीनन आप लोगों को ये वाली ट्रिक्स के बारे में बिल्कुल नहीं पता होगा। इनमें कुछ ऐसी ट्रिक्स हैं जिनके बारे में आपको यकीनन नहीं पता, तो आज इसी के बारे में हम बात करते हैं और देखते हैं कि कौन सी ट्रिक्स आपके साथ आज मैं शेयर करने वाला हूं। तो इसी के साथ हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की सबसे पहली ट्रिक की बात करते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आप लोग जो है वो व्हाट्सएप का मैसेज रीड भी कर लें लेकिन सेंडर को पता भी ना चले कि आपने रीड किया है कि नहीं, जैसे कि आपको पता है व्हाट्सएप पे जब आप मैसेज सेंड करते हैं तो डबल टिक हो जाता है। डबल टिक होने के बाद जब जैसे ही रिसीवर जो है वो सीन करता है मैसेज को, तो जो टिक है वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाते हैं, ब्लू कलर में। लेकिन अब आप चाहते हैं कि वो ब्लू कलर में कन्वर्ट भी ना हो, मैं रीड भी कर लूँ और उसे पता भी ना चले, तो बड़ा आसान है। आप लोगों ने क्या करना है, अपनी डिवाइस पे आना है, मोबाइल पे आना है, तो आप लोगों ने सबसे पहले अपनी वाईफाई ऑफ करनी है, फिर डेटा कनेक्शन ऑफ करना है, मतलब कि कंप्लीटली उसको इंटरनेट से डिसकनेक्ट करना है अपनी डिवाइस को। फिर क्या करना है, आप लोगों ने फ्लाइट मोड पर लगा देना है। अब फ्लाइट मोड पर लगाने के बाद आप लोगों ने व्हाट्सएप ओपन करनी है। व्हाट्सएप ओपन करने के बाद आप चैट ओपन करें, उसके मैसेज रीड करें, फिर उसके बाद व्हाट्सएप ऑफ कर दें, फिर डेटा कनेक्शन ऑन कर लें या नहीं करना वो आपकी मर्जी है। लेकिन यह है कि इससे आप लोग जो है उसके मैसेज रीड भी कर लेंगे लेकिन उसके पास ब्लू क्लिक नहीं जाएगा। जो डबल टिक है वो ब्लू कलर में नहीं होगा उसके पास, उसे पता ही नहीं चलेगा कि आप लोगों ने ये मैसेज सीन किया है कि नहीं। फिर इसके बाद बात करें तो हमारे पास आता है डार्क मोड। जैसे कि आपको पता है व्हाट्सएप पे डार्क मोड रिसेंटली अपडेट आ चुकी है इसकी। अगर आप लोगों को एक्टिव करने नहीं आता तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली अपनी व्हाट्सएप ओपन करनी है। तो राइट अपर कॉर्नर पे थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने आना है सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद आप लोगों ने चैट्स पे आना है। चैट्स पे आने के बाद आप लोगों ने जाना है थीम पे। थीम पे यहाँ पे आप लोगों को दो थीम देखने को मिल रहे हैं, एक लाइट एंड डार्क। डार्क पे करेंगे तो आपका जो है वो डार्क मोड एक्टिव हो जाएगा, जो देखने में काफ़ी ज़बरदस्त है। और ये डार्क मोड जो है ये काफ़ी जैसे कहते हैं पसंद किया जा रहा है हर तरफ से, तो इसलिए हर एप्लीकेशन जो है वो डार्क मोड में जल्द ही आपको देखने को मिलेंगी। और इसकी जो अगली अपडेट है मेरे ख्याल से फेसबुक की डार्क मोड की तरफ जा रहा है, मतलब कि डार्क मोड की अपडेट फेसबुक पे जल्द ही आपको देखने को मिलेगी। और ऐसे आप लोग जो है अपना डार्क मोड जो है वो एक्टिव कर सकते हैं। और फिर से अगली ट्रिक की बात करें तो आप लोग जो है अपने व्हाट्सएप को क्लॉक लगा सकते हैं, मतलब कि अगर आपके मोबाइल में फेस आईडी की फैसिलिटी है तो आप लोग अपने व्हाट्सएप को फेस आईडी लगा सकते हैं। अगर आपके पास फिंगरप्रिंट स्कैनर लगाना चाहिए वो लगा सकते हैं, पिन लगाना चाहिए अपने व्हाट्सएप को पिन लगा सकते हैं, क्योंकि तो आपका व्हाट्सएप जो है अगर पर्सनल है, आप लोग चाहते हैं कि कोई इसको ओपन ना कर सके, आपके मोबाइल पे लॉक आप नहीं लगाना चाहते लेकिन व्हाट्सएप आप चाहते हैं कि ये मेरी जो एप्लीकेशन है इस पर लॉक लगा रहे, तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने व्हाट्सएप को ओपन करना है। वैसे ही थ्री डॉट्स पे क्लिक करने के बाद आपने सेटिंग पे आना है। सेटिंग में आने के बाद आप लोगों ने अकाउंट पे जाना है। अकाउंट पे जाने के बाद आप लोग जाएं प्राइवेसी पे। प्राइवेसी के एंड पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लॉक का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप लोग जो है अपनी फेस आईडी भी लगा सकते हैं, अपना फिंगरप्रिंट लगा सकते हैं, पिन लगा सकते हैं, या व्हाटएवर जो भी आपका मोबाइल सपोर्ट करता हुआ, तो आप यहाँ से वो लॉक चूज करके अपनी एप्लीकेशन को लॉक कर सकते हैं। और फिर इससे अगली जो ट्रिक है वो बड़ी ज़बरदस्त ट्रिक है, मतलब ये है कि आप लोग जो है वो अपनी कंप्लीटली चैट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, एक फाइल बना सकते हैं। सपोज आप लोगों ने अपनी जो चैट है व्हाट्सएप की किसी के साथ किसी को सेंड करनी है, स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते आप, तो कंप्लीट एक क्लिक पे आप लोग सेंड करना चाहते हैं, तो वो बहुत ज़बरदस्त एक ट्रिक बताने लगा हूँ अभी आपको। और ये चैट आप लोग पर्सनली सेव भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये वाली चैट मैंने इस बंदे के साथ कोई बिजनेस कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कि ये चैट मैं हमेशा के लिए सेव कर सकूँ, इसकी फाइल बनाना चाहता हूँ, तो वो भी अब व्हाट्सएप में अवेलेबल है। आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली उस बंदे की चैट में जाना है। चैट में जाने के बाद आपने अपर राइट कॉर्नर पर थ्री डॉट्स पर क्लिक करना है, आप लोगों ने मोड पर क्लिक करना है। और यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं कि ऑप्शन देखने को मिलता है एक्सपोर्ट चैट। अब एक्सपोर्ट चैट पे जैसे ही आप लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग जो है वो अपनी फाइल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आप ईमेल भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, या जितने आप लोगों को ये ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं यहाँ पे आप लोग अपनी फाइल सेंड कर सकते हैं। और सपोज मैं इसको व्हाट्सएप पे ही सेंड करता हूँ और इसी नंबर पर करता हूँ ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ, आप जैसे भी करना चाहें इसको कर सकते हैं। अभी ये मैंने इसको सेंड कर दिया, अभी मैं आपको ये ओपन भी करके दिखाता हूँ कि अभी देखें मैंने इसको ओपन किया है तो ये सेम एज इट इज़ जो चैट की हुई है ये मेरे सामने आ गई है। तो ऐसे अपनी आप चैट की फाइल
एक बना सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अपने पास सेव रख सकते हैं एज ए प्रूफ के लिए, या जैसे भी आप इसको यूज़ करना चाहें, स्क्रीनशॉट से हटके वन क्लिक पे आपकी सारी चैट जो है वो सेव हो गई। और फिर इससे अगले फीचर की बात करते हैं जो कि है वॉइस चैट। समटाइम ऐसे होता है कि आप लोग जो है वॉइस मैसेज सेंड कर रहे होते हैं, आप लोगों ने क्लिक किया होता है वॉइस चैट आइकन पे और आपकी जो है फिंगर वो हिल जाती है, हिलने से आप लोगों का आधा मैसेज सेंड हो जाता है, अभी आप बोल रहे होते हैं और आपका जो है मैसेज आधा चला जाता है। अब आप लोगों ने क्या करना है कि वहाँ पर अपने वॉइस चैट आइकन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने स्वाइप अप करना है और उसको वहाँ पर लॉक लग जाएगा, मतलब कि आप लोग आराम से बोल के अपना मैसेज उसको सेंड कर सकते हैं कि आप लोग अपनी फिंगर उठा आप भी लें तो कोई मसला नहीं है, आप फिर जितना बोलना चाहे बोलने के बाद आप जो है वो उसका मैसेज भेज सकते हैं। इसी के साथ आपको एक बोनस बताता हूँ, एक बोनस ट्रिक, और वो ये है कि सम टाइम आप ऐसे होता है कि आप लोगों ने मैसेज का आंसर करना होता है तो आप लोग क्या करते हैं, आप लोग जो है प्रेस एंड होल्ड करते हैं उस टेक्स्ट को जाके और उसके बाद ऊपर जाके एरो पे क्लिक करने के बाद आप उसको रिप्लाई करते हैं। तो इसकी एक सिंपल ट्रिक है कि आप लोग वहाँ पर उस टेक्स्ट को क्लिक करने के बाद उसको स्वाइप करें, स्वाइप करते ही आप लोगों की चैट में आ जाएगा कि आप अब इसका रिप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक शॉर्टकट था तो ने सोचा ये भी आप बीच में ऐड कर दूं, तो ऐसे आप लोग जो है इजीली आंसर कर सकते हैं जो सिलेक्टेड मैसेज का। और इससे अगली ट्रिक की बात करें तो वो है कूल व्हाट्सएप स्टेटस, मतलब कि आप लोग जो है अपने व्हाट्सएप स्टेटस को थोड़ा सा कूल बना सकते हैं। वो इस तरह से कि अभी मैं जो है अपनी एक पिक्चर सेलेक्ट कर रहा हूँ एक स्टेटस पे, स्टेटस पे पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद आप लोग जो है जो एमोजीज ऐड कर सकते हैं इसमें। अब मैंने एमोजी ऐड कर दिया, अब एमोजी को यहाँ पे ऐसे आप लोग जो है वो इसको कलरफुल बना सकते हैं, कोई भी इमोजी सेलेक्ट करके आप उसका कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त इसका एक फीचर है, इसकी एक ट्रिक है। इससे क्या है कि आप लोग जो है अपनी व्हाट्सएप स्टोरी को मोर कूल बना सकते हैं, ज़बरदस्त बना सकते हैं कोई भी इमोजी सेलेक्ट करके, तो आप लोग उसको कलर दे के अपना व्हाट्सएप जो स्टेटस है उसको ज़बरदस्त बना सकते हैं। और फिर इसे अगली ट्रिक की बात करें तो आप लोग जो है व्हाट्सएप पे कोई फाइल भी सेंड कर सकते हैं। फाइल जो है वो आपकी कोई डॉक्यूमेंट्स हो सकती हैं, आपकी कोई एपीके फाइल हो सकती है, एप्लीकेशन हो सकती है, आपकी कोई गेम हो सकती है एंड्रॉयड की, तो व्हाट्सएप के थ्रू अब आप लोग ये भी सेंड कर सकते हैं। सपोज ये मेरे पास एक एपीके फाइल है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे अटैचमेंट पे क्लिक करने के बाद इधर डॉक्यूमेंट्स पे गया तो वहाँ पे आप मैंने अभी एक एपीके फाइल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने इसको सेंड कर दिया, तो देख सकते हैं कि वो रिसीवर है ये फाइल यहाँ से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकता है। तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त अपडेट है, बड़ा ज़बरदस्त एक फीचर है व्हाट्सएप की तरफ से। और आज की फाइनल ट्रिक की तरफ चलते हैं, और बड़ी ज़बरदस्त ट्रिक है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग किसी बंदे का मैसेज रीड भी कर लें लेकिन उसको पता ना चलें, आप लोग ऑनलाइन भी हों लेकिन जितने मैसेज आएँ उसके आप रीड कर लें लेकिन उसको जो है वो ब्लू टिक ना मिले, तो आप लोगों ने क्या करना है, सिंपली अपर राइट कॉर्नर पर थ्री डॉट्स पर क्लिक करने के बाद सेटिंग में आना है। सेटिंग में आने के बाद आप लोगों ने जाना है अकाउंट में, अकाउंट में जाने के बाद आप लोगों ने जाना है प्राइवेसी में, प्राइवेसी में जाने के बाद यहाँ पे रीड रिस्ट्रिक्ट को जो है वो आपने एक्टिव कर लेना है, इसको ऑन कर लेना है। इससे क्या होगा कि जितने मैसेजेस आपको आएंगे आप लोग जो है वो उसको रीड तो कर सकेंगे लेकिन जो सेंडर है उसको जो है वो ब्लू टिक नहीं मिलेगा, उसका डबल टिक ही होगा लेकिन वो कलरफुल नहीं होगा, ब्लू टिक पे नहीं आएगा। तो ऐसे क्या है कि आप लोग जो मैसेज रीड कर सकते हैं लेकिन उसको ब्लू टिक नहीं मिलेगा। तो ये बड़ा ज़बरदस्त एक अपडेट है इसकी व्हाट्सएप की तरफ से, और ये काफ़ी यूज़फुल है। समटाइम ऐसे होता है कि आप लोग जो है वो रीड करना भी चाहते होते हैं लेकिन जो है वो उसको पता ना चले, आप चाहते हैं कि फिर तो ये आप रीड रिसिप्ट को एक्टिव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है कि आज की ट्रिक्स में से आपको कौन सी ट्रिक सबसे ज़बरदस्त लगी है। और आप लोग जो है मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि आप लोग किसी टॉपिक पर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, तो आप लोग मुझे कमेंट में वो टॉपिक मेंशन करें तो मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। और इसी के साथ अगर आप ऐसी ही ज़बरदस्त वीडियो की अपडेट चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन में भी क्लिक कर दें ताकि आपको ऐसी अपडेट की खबर सबसे पहले मिल सके। आज के लिए बस इतना ही, स्टे होम स्टे सेफ, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।